अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त तहमीना एहसन और मैं लाई हूं एक ऐसा शो जो है खुशियों और मोहब्बतों से भरा शो। वही आपका जाना पहचाना ऊट पटांग। आपने घबराना नहीं है क्योंकि खान साहब कह के गए हैं, घबराना नहीं कह के क्या गए यही है। तो जी आप घबराइए नहीं, शो का नाम है ऊट पटांग। और ये ऊट पटांग क्यों है ये भी आप जानते हैं। इस शो में हम माशरे के कुछ ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनका वास्ता आम रूटीन में हमसे पड़ता रहता है और उनसे करते हैं हम कुछ ऊट पटांग सवाल और उनके होते हैं कुछ ऊट पटांग जवाब, जिसकी वजह से ये शो बनता है ऊट पटांग। ऊट पटांग से याद आया, दिल और चार्जर कभी किसी को ना दें, हमेशा साड़ के वापस करते हैं। सार से याद आया, आज मेरी सास सुबह मुझसे कहती है, बेटा अपने बेटे की तरबियत करो, मेरे बेटे की तरबियत करने से परहेज करो। मुझे उनकी बात समझ में नहीं आई, तो आप मुझे अपने कमेंट्स में बताइएगा कि वो सासू माँ मेरी कहना क्या चाहती है, क्योंकि हमें आपकी मोहब्बतों का बहुत इंतज़ार रहता है और हमें आपकी फीडबैक भी चाहिए। तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो शो की तरफ बढ़ते हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, हिम्मत है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। नहीं नहीं, शायरी करने का बिल्कुल मूड नहीं है। आज सुबह बस में पढ़ा तो मैंने सोचा सुना ही डालूं, क्योंकि आज जो हमारे मेहमान हैं वो हैं एक ड्राइवर। जी हाँ, ड्राइवर जिनको हम बहुत सुनाना, मेरे मतलब है बहुत कुछ कहना चाहते हैं, उनसे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं। तो चले इनकी तरफ चलते हैं कि इनसे सवाल करते हैं, हमारे सवालों पर और इनके जवाबों में पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। ये क्या हुआ? गाड़ी को रोका है और क्या किया है? गाड़ी को रोका और ये मोबाइल पे क्या कर रहे थे फिर आप? गेम खेल रहा था। हमेशा करेक्टर में रहते हैं, मतलब गाड़ी चलाते हुए आप मोबाइल यूज कर रहे थे तो क्या हुआ? किससे बात कर रहे थे आप? बात थोड़ी, गेम खेल रहा था। गेम? अच्छा, ड्राइविंग करते हुए गेम खेल रहे थे तो क्या हुआ? मतलब अच्छा, कोई मसला नहीं होता, कोई चले खैर। अच्छा अपना नाम बता दीजिए, चले शो में आए हैं तो कुछ बात कर लेना। हम करें ना। अच्छा फोन को रखिए ना, हम आपसे कैसे बात करें? एक मिनट ठहरे। हाँ रख दें सर। एक मिनट ठहरे ना, ये जरा स्कोर पूरे हो जाए। अरे आप शो में हैं, छोड़े स्कोर को। एक मिनट, गाड़ी चलाते हुए मोबाइल और शो में भी मोबाइल, समझ से बाहर है। हाँ जी, ये ले। अब कुछ बात कर लें, आप आ गए वापस। हाँ, गाड़ी चला ली, किसी का एक्सीडेंट तो नहीं किया आपने? एक्सीडेंट तो हिस्सा है ना जिंदगी का, देखे ना, जो शख्स आया है दुनिया में उसको तो जाना तो है ना। तो आप वसीला बनते हैं। बस जी, खुदा दाद सलाहते हैं, अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहतों से नवाजा। गेम भी खेलना आती है, चलती गाड़ी में भी खेल सकता हूँ, ड्राइविंग भी कर सकता हूँ, कंडक्टरी भी कर सकता हूँ और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्या बात है, तभी लोग बहुत तंग थे इसलिए आपको हमने बुलाया। अब मतलब कहने का मतलब ये कि शो को शुरू करते ना, आप अपना नाम अपना तारुफ तो दीजिए ना कुछ। एबीसी? ओह नो। क्या एबीसी? एबीसी मेरा नाम है। वालदा ने एबीसी रखा था? मतलब अल्लाह बख्श कमांडो। अच्छा शॉर्ट फॉर्म है एबीसी और अल्लाह बख्श कमांडो। जी, जी। क्या नाम है? अच्छा कहाँ से? मुझे तमाम शागिर्द कहते हैं उस्ताद एबीसी। शागिर्द कहते हैं, शागिर्द मतलब जिनको मैंने सिखाया है ड्राइविंग। ड्राइविंग? अच्छा, वो शागिर्द वो कनेक्टर है मेरे, बहुत सारे शागिर्द। कुछ बता दें अपने फैमिली बैकग्राउंड कहाँ से हैं आप, कुछ बता दें ताकि। वही रिवायती ड्राइवर की जिंदगी अजीब खेल है, मौत से बच गया तो सीधा सेंटर दे। हाँ लेकिन कहाँ से है, पीछे कहाँ से ताल्लुक है आपका? पीछे मेरा घर इस गली में नहीं है, अगले इलाके में एक छोटा सा मकान है जिसमें 5-6 बच्चे हैं बस, बीवी एक ही है गरीब आदमी की। अच्छा ठीक। अच्छा मतलब आप पढ़े लिखे हैं? जी हाँ। कितना पढ़े? 7वीं में 7 मरतबा फेल हूँ। हमारे पास क्यों आते हैं सिर्फ, तीसरी में 3 बार फेल और अच्छा 7वीं, चले शुक्र है आप साथ में पढ़े हैं। हाँ हमने बुलाया। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप वैसे भी एक्सक्यूज मी वो कहते हैं ना कि ड्राइवर को पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो 7 क्लासें तो पढ़ी है ना मैंने। बड़ी बात है, आपने 7 क्लासें पढ़ी है, मैं अप्रिशिएट करी, मुझे वाकई अच्छा लगा। मजे की बात ये है कि मेरी बेगम का जो जूता है वो भी 7 नंबर का है। बेगम के जूते का नंबर भी पता है आपको? हाँ वो इसलिए ना। किस लिए? क्योंकि वो 7 नंबर का है। तो क्या आप उनकी जूते खुद खरीद के लेकर रमजान में गया था ना लेने? या खाते हैं आप? नहीं वो देखे, उन्होंने पूछा था दुकान वालों ने, जामा क्लास गया था वहाँ जाके मैंने मालूम किया कि बेगम का जूता चाहिए, उन्होंने कहा साइज या उसका नाप लिया, तो मुझे तो भूल गया, फिर मैंने कमीज उठाई और पीठ पे दिखाया, वहाँ भी 7 नंबर को दे हुए थे।
अच्छा चले, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी, अगर आप उनके जवाब दे दें तो। आपकी मर्जी। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि बसों में इतने शीशे क्यों होते हैं, यहाँ भी वहाँ भी, मतलब हर जगह ना। चलो अंदर का समझ में आता है, बाहर का समझ में आता है कि आपने गाड़ियाँ देखी, अंदर आप किसको देख रहे हो? ताड़ते हैं। क्या ताड़ते? ताड़ू है ना, ताड़ू, हर एक को ताड़ते। नहीं मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे, इतने शीशे किसके लिए? जरूरी है। मर्दों को ताड़ते हैं, किसको ताड़ते? मर्दों को कौन ताड़ता है जी? वही मैं आपसे पूछ रही हूँ, जो आप करते हैं वो बोलते हुए शर्म आ रही है, बता दें। नहीं वो तो बता दिए ना, ताड़ू तो होते ही मर्द हैं। किसको ताड़ते हैं आप लोग? सबको ताड़ते हैं। सबको? किसको? जो भी आता है बस। खवातीन यानी कहने का मतलब? सवातीन आप समझ ले। सवातीन, खवातीन, जिनके साथ बच्चे होते हैं, तीन खवातीन उनके साथ बच्चे हुए तो सवातीन हुए। अच्छा तो यानी आप जो है खवातीन को देखने के लिए शीशे लगाए होते हैं? जो बस में है उनको भी ताड़ते हैं, जो बस में नहीं है, जहाँ हम बेबस हो जाते हैं तो बाहर वाले शीशे में ताड़ते हैं। क्यों? मतलब मेरी समझ में नहीं आता उनको ताड़ के क्या मिलता है, यानी वो बेचारे हम खवातीन जो होती है वो रोड पे भी ये सब बर्दाश्त करें, अगर हम एक सवारी के अंदर बैठ गए, अगर हम अपने आपको कहीं खुदा ना खास्ता सेफ फील कर ही रहेंगे, महफूज हैं हम, तो उस पे भी आप ताड़ू, मतलब जो चला रहा है गाड़ी वो भी ताड़ू, मतलब गलत नहीं है ये? गलत है या नहीं है? नहीं नहीं गलत नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं, बिल्कुल गलत नहीं, किसने कहा गलत है? हम तो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बाकी सेफ हैं। कैसे सेफ है? मुझे कैसे सेफ? मैं, मुझे एक बंदा देख रहा होगा, मैं तो अनकंफर्टेबल हो जाऊंगी कि भाई मुझे नहीं पसंद कि मुझे कोई इस तरह देखे, किसी भी तरह कहीं बाहर जाते हुए या किसी गाड़ी में कोई ऐसे देखे, मुझे नहीं पसंद। अल्लाह ताला ने आंखें दी है ना, देखने के लिए दी है, देखे सबको देखे। खैर अब आपका ये व्यू है, क्या कह सकते हैं? हाँ बच्चा बच्चा जानता है मुझे वो। अच्छा मुझे एबीसी कहते हैं उस्ताद, एबीसी। अच्छा मुझे ये बताएं कि डीजल और ऑयल खवातीन के हिस्से में सुबह ही सुबह डाल देते हैं, यानी अगर यही काम आप मर्दों में भी कर दे तो चले कि भाई गाड़ी का कोई होगा आप लोगों का डीजल होता है और उसकी स्मेल इतनी गंदी इतनी तेज होती है, सुबह आप एक अच्छे फ्रेश मूड में जाते हैं कि ऑफिस जाएंगे काम करेंगे, जो भी जैसे काम बेचारे निकले होते हैं सुबह, कच्ची पक्की नींद होती है, आपने डीजल और ऑयल डाल के, वो भी सिर्फ खवातीन के, फिसले तो आपकी गोद में गिरे, क्या मतलब है इस बात का? माशाल्लाह इतनी खुशकिस्मत हम तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप बता रही हैं तो हम कोशिश करेंगे, हम हुकूमत तक आपकी बात पहुंचाएंगे, हम बताएंगे हुकूमत को कि भाई खुशबूदार परफ्यूम जैसा ऑयल होना चाहिए। नहीं तो डालने की क्या वजह है? कहने का मतलब ये है कि आप उस जो वो फ्लोर होता है आपका, आपको उस पे डालने की क्या जरूरत है? मत कि नहीं भी डालेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत सारी ऐसी गाड़ियां भी है वहाँ देखेंगे, खवातीन पीछे भी बैठती है, आप लोग आगे ना मत बैठे, पीछे बैठे, मर्दों के पास जाके बैठ जाए, पीछे मर्दों की जगह, वो आपकी मर्जी है। बहुत इब्राहिम हैदरी में ऐसी गाड़ियां चल रही है जिसमें जितनी भी खवातीन है वो पीछे बैठती है, शहर में आप लोग आगे बैठती है, आप लोग चाहे तो पीछे वाले से बैठ जाए। नहीं तो कराची का यही, कराची की यही तो खूबसूरती है कि औरतों की अलग जगह होती है, मर्दों की अलग जगह होती है। आपकी अलग अलग है तो क्यों हम मर्दों में जाके बैठ जाए भाई? ये क्या बात हुई? आप कितनी बार जमी है? मतलब वो कहते ना जिन्हें लाहौर नहीं रखे जमिया ही नहीं। मैं हो चुकी हूँ, पैदा हो गई। पैदा हो गई तो यकीनन आपने लाहौर की सड़कों पर वो जो डब्बे चलते हैं, डब्बे में आपने देखा होगा, टांगे चलते हैं वहाँ देखा होगा, वहाँ वो एक ही सब में खड़े हुए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। चले वो वहाँ होता है, वो होता होगा, उनकी लॉजिक होगी, हम कराची की बात करें, हम कराची में रह रहे हैं ना, तो हम लाहौर को तो नहीं अप्लाई करेंगे यहाँ पे उनका कोई भी रूल, हम यहाँ रह रहे हैं, हमें तो ये, हम यहाँ रहते हैं तो यहाँ पर तो भाई इज्जत दी जाती है, हम दे रहे हैं आपको, दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं? क्या आप ताड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं जी अगर आपको प्रॉब्लम है तो जाके मर्दों के पास बैठे, ये क्या बात की आपने? ताड़म ताड़ी तो जिंदगी का हिस्सा है ना, ड्राइवर नहीं देखेगा तो कौन देखेगा? हम आपके तहफ्फुज़ के लिए शीशे लगाए चारों तरफ, चारों तरफ लगाए। आप उतरेंगे जब भी हम आपको देख रहे होंगे, आप गली तक जा रही हैं, जब भी हम शीशे में आपको, ये बताने की जरूरत नहीं, हमें पता होता है कि हमें देखा जा रहा है और बहुत, आप क्या कहूँ मैं आपको, मतलब आप लोग भी खुश होती हैं कि कोई हमें ताड़ रहा है अंदर भी बाहर। आपको लगता है कि वो औरतें जो बेचारी बैठी होती हैं बस में वो खुश हो रही होती है कि हमें देख रहे हैं, मतलब हमारे पास और कोई काम नहीं है, ये यही रह गए हमारे लिए? नहीं वो तो आपकी मर्जी है, आप कोई भी चॉइस कर सकती है, कमांडो ना सही कोई और सही, लेकिन बात सुने सुने अपनी बात करें, हमें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं वो सबको पता होता है, हमें पता है हमें क्या अच्छा लगता है, लेकिन हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमें ताड़ रहा हो, कोई हमें देख रहा हो, कोई हमें कुछ कहे, ये हम बिल्कुल इजाजत नहीं देते। तो फिर आप मत बैठे, आप रक्षा में चले जाए, आप टैक्सी ले लें, आप वो जो मुख्तलिफ वो प्राइवेट टैक्सियां जो चलती है। तो बस आपने किसके लिए चला रहे, किसके लिए चला रहे हैं, मतलब आप किसके लिए चला रहे हैं? हम आपके लिए चला रहे हैं। तो फिर हमें आप कह रहे हैं कि रक्षा उसमें चल जाए, अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, मैं नहीं कर सकती, मैं बस में आती जाती हूं। तो आप आए फिर आप हमें अफोर्ड करें। अच्छा
चले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहाँ चले बेटे? पीछे सवारी खाली, सीट खाली, लेडीज सीट पे बैठ जाए। मुझे ये बताएं कि जब पैसे आप लोग लेते हैं, जैसे अगर ज्यादा पैसे दे दिए, 100 रुपया दे दिया या उससे ज्यादा दे दिए, पैसे वापस करते हुए आप लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों होता है कि आपको 10 दफा याद करवाना पड़ता है? आप वापस आ जाए, देखें छोड़ दें। ब्रेक लगा दी आपने, कोई नीचे तो नहीं आया? ब्रेक आयल भी चेंज करना पड़ रहा। हाँ, तो अब आप मुझे ये बताएं कि जब पैसे हम आप लोगों को देते हैं, आपका किराया हम आपको देते हैं, तो जब पैसे आप लोग वापस करते हैं तो उसमें आप इतने प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करते हैं? यानी इतना प्रॉब्लम क्यों करते हैं? 10 बार हमें मांगना पड़ता है, भाई बाकी के पैसे दे दे, भाई बाकी के पैसे दे दे, ऐसा क्यों होता है? हमको ये बताना चाहते हैं कि जो वालदा ने, वालदा मोहतरमा ने हमें सबक दिया है कि बच्चा जब छोटा हो, जब तक दूध नहीं मांगेगा तो हम माँ भी उसको दूध नहीं देती। इस तरह आप अगर अपने बकाया पैसे खुद मांगेंगे, कौम को मांगने की आदत होगी ना? आपने भी तो ये सुना ना कि घबराना नहीं, तो मांगे, आप मांगे। आपने अंडा मांगा, महंगा हो गया, आपने चीनी मांगी, महंगा हो गया। आप जो जो चीज़ मांगेंगे वो इंशाल्लाह महंगी हो जाएंगी, बेफिक्र। हमारे ही पैसे आप हमें दे रहे हैं और आप, मैं ये कह रहे हैं कि मांग रहे हैं कि किस किस्म की लॉजिक है? जब तक आप मांगेंगे नहीं, कंडक्टर को कैसे याद आएगा? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हैं? आपने जिसने जिसका पैसा लिया उसको उसी वक्त फ्री करें, ये ले भाई तेरा बाकी पैसे, ये तेरी बहन, ये ले तेरे बाकी पैसे, उसको जरूरत ही ना पड़े। वो सारा दिन देखते रहते, अब ये वापस आएंगे, पैसे देंगे। आप लोगों को क्यों मेरी समझ से बाहर है? देखिए, हमारी बेइज्जती खराब कर रही है। अभी खराब कर रही हूँ? रिश्तेदारियां अपने पास रहने दे, जितने पैसे आपके बनते हैं आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर कह रहे हैं तो मतलब हम रिश्तेदारी हमारी किसी के साथ नहीं भाई, हम ड्राइवर हैं, सिर्फ ड्राइवर। सदर चावल जावा प्लाजा आरंभक बंदर रोड सदर सदर सदर। अच्छा, मेरी बात, आप स्टूडियो में बैठे हैं प्लीज, ठीक है? ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास? तो उसकी क्या जरूरत है? बस चला रहे हैं आप, इतने लोग आपके उस पे होते हैं, बस में होते हैं, तो खुदा ना खास्ता अगर आप गलत गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक वो कोई रूल टूटता है, कुछ होता है, हादसा हो जाता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस तो होना चाहिए। हम तो सबसे पहले भागते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की क्या जरूरत है? ये बताने की जरूरत थी, मुझे बता। हमसे ऊपर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ मालूम नहीं है। फिर ये एक मेरी बात समझ में नहीं आती ना, वो फला ऐसा था तो ढमका ऐसा था तो ये हो गया। आप अपनी बात करें ना भाई। ABC उस्ताद, ABC, हर मर्ज की दवा। किसी भी थाने में गाड़ी पकड़ी जाती है, हम यूं चुटकियों में छुड़ा लेते। अच्छा, अक्सर आपको लोगों ने रेसिंग लगाते भी देखा, यानी एक बस दूसरी बस के साथ रेसिंग लगा रही होती है। बकायदा आप लोग आगे बढ़ने के चक्कर में हमारे स्टाफ, हमारे जो स्टॉप होते हैं वो तो गए ही गए। कोई नीचे आ गया, खुदा ना खास्ता बच्चा आ गया, बड़ा आ गया, वो भी नहीं देखते आप लोग। कई हादसों का शिकार होते हैं लोग इन चक्करों में। ऐसा क्यों है? क्यों हुई रेसिंग आप लोग लगा? जिंदगी का हिस्सा है क्या? हम गाड़ी यूं रवा दवा चींटी की मानिंद चला? चींटी की मानिंद ना, हमें 3 मिनट मिलते हर स्टॉप पे, 3 मिनट। हम गाड़ी लेके निकलते, पीछे दूसरी गाड़ी आ जाती, हमें उससे आगे ही रहना, हम पीछे रह गए, हम पे जुर्माना डबल है। ये तो आप उनको बोले ना, स्टाफ वालों को बोले जिनके स्टाफ खरीदे हुए। क्या मतलब, मैं समझी नहीं थी। आप नहीं समझेंगे, ये कारोबारी बात है ना। देखिए, एक गाड़ी निकलती है, उसके पीछे 3 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी। अगर हम टावर से निकलते हैं, बोल्टन मार्केट पहुंचते, टावर से दूसरी गाड़ी निकलती है, हम बड़े मुश्किल से बोल्टन मार्केट से निकलने की कोशिश करते हैं, आगे ट्रैफिक जाम है, आगे आरामबाग तक पहुंचते हैं तो पिछली गाड़ी वो हमारे साथ पहुंच जाती है। अगर वो आगे निकल गई तो हमें 1200 रुपए जुर्माना भरना है। कौन लगाता है ये जुर्माना? ये जिनके स्टॉप खरीदे हुए, जिनका अड्डा है, इसी अड्डे पे तो फटा है। अच्छा, आप यानी ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ पे अगर टाइम पे नहीं पहुँचेंगे, आपसे पहले दूसरी गाड़ी पहुँच गई, तो आपको पैसे देने होंगे, जुर्माना देना होगा। तो ये जुर्माना जो है वो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका है। ये लोकल लोग नहीं, अड्डा, जो अड्डा मालिक है। तो लोकल हुए ना, लोकल का हुए वो तो हमसे ज्यादा अमीर। गरीबों को तो वो पूछते नहीं, वो अमीर हो गए। फिर भी वो लोकल है, गवर्नमेंट के लोग तो नहीं है ना? कि गवर्नमेंट तो आपको नहीं कर रही, गवर्नमेंट उनके पीछे जरूर होती है। आपको बड़ा पता है, बिल्कुल पता है, बिल्कुल। ABC, उस्ताद ABC, उस्ताद ABC का मतलब है कि हमें सारी मालूमात होती है। देखिए ना, हमें सारी मालूमात होती है। अगर हमारा कंडक्टर कोई बदतमीजी करे तो हम जिम्मेदार होते हैं। क्या जिम्मेदारी होती? कुछ भी नहीं करते आप। क्या करते हैं? वो मार खाता, आप भाग जाते हैं। वो हम कोशिश, कभी बहुत बात पहुंच जाए इस तक कि भाई फिर मार पड़ती है, तो फिर कहाँ होते हैं आप? जिम्मेदारी किस बात की? आप तो भाग जाते हैं। हम तो 2-4 इलाके क्रॉस कर चुके होते हैं, भागने में हम बहुत मार। गाड़ी छोड़ के भाग जाते हैं? कौन से मालिक यही कहता है ना, मालिक कहता है हमें गाड़ी को छोड़ दो, अपनी जिंदगी बचाओ। खैर, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने गाड़ी, आपकी जो बसें होती हैं वो दुल्हनों की तरह सजी हुई होती है। अगर इतना ख्याल आप लोग अपने हाइजीन का करें तो मे बी हो सकता है जो हम लोगों पे एक आफत है कोरोना की, वो टल जाए। इंशाल्लाह ताला अल्लाह वो टाल देगा। लेकिन जितना आप
पैसा और जितना आप अटेंशन अपनी गाड़ी को देते हैं, अपनी तवज्जो जो है गाड़ी को देते हैं, अगर आप अपने आप को दें तो आपको नहीं लगता कि बेहतरी की तरफ जा सकते हैं हम लोग? हमारा भी हक है कोई अच्छा बंदा गाड़ी चला रहा हो, हमें भी अच्छा फील हो, अच्छे हमें भी, क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए आप कितनी प्यारी बच्ची है ना, आप जब किसी प्रोग्राम में जाती हैं बहुत सारा मेकअप करती हैं, ये तो अल्लाह भला कर ब्यूटी पार्लर वालों का, उनको जन्नत में भी अवार्ड मिलेगा कि वो कितनी प्यारी प्यारी बच्चियां बनाते हैं। इसी तरह हम गाड़ी का भी बिल्कुल दुल्हन, आपने लफ्ज़ यूज़ किया ना दुल्हन, तो दुल्हन की तरह हम इसलिए सजाते हैं कि देखा जाए कि हम कितने वो कहते हैं अपना वो अपना शौक का ख्याल रखते हैं, लोगों का ख्याल रखते हैं, और अपनी गाड़ियों का उसमें डीजल पेट्रोल CNG सब वक्त पे हम उसको खूबसूरत रखते हैं। और इनकी देखा देखी चाइना वालों ने नकल किया है, आप देखें W11 के वो जो गाड़ी है वो उन्होंने चाइना में बनाई है, और वही नक्शो नगार जो हम में भी इस गाड़ी को प्रमोशन मिली। अच्छा लंदन में मुझे बताया था चाइना में तालीम की कमी है क्या कह सकते, लेकिन भाई लंदन में इतनी तालीम है और बहुत है, मतलब मैं आपका करेक्ट कर रही हूँ, अगर आपको नहीं पता तो हर बंदे को नहीं पता लंदन में उस गाड़ी को प्रमोशन दी, लेकिन बहरहाल मैं चले अच्छी बात है, मतलब हमारी नकल तो की ना उन्होंने, उन्होंने हमारी नकल तो की ना, नकल नहीं की उन्होंने, वही गाड़ी ला के रख दी, यानी पाकिस्तान के नाम से ही वो जो है जानी जाती, वो उनकी अपनी नहीं तो नकल नहीं है, वो हमारी ही किसी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ होती। खैर हम इसमें नहीं, आपको नहीं समझ में आएगा। अच्छा मुझे ये बताएं आप लोग बस में गाड़ी में अपने गाने ऐसे दिल जले लगाते हैं, आग लगा कर मेरा सवाल तो पूरा होने देते, सुन मेरा अफसाना मैं गीतों में तुझे को ताड़ू, लोग कहे दीवाना। देख लग गई, अब मैं सवाल पूछ लूं जी, मेरा सवाल पूरा ये था कि आप लोग अपनी गाड़ी में ऐसे दिल जले गाने लगाते हैं कि जैसे सारे आशिक बस ड्राइवर हों? जाहिर है इसमें तो कोई कबाहत ही नहीं, आप देख लें कि बहुत सारे शीशे इस बात की गवाही देते हैं कि हम तो जो अपने घरों से रुल के आते हैं, पिट के आते हैं सुबह बगैर नाश्ते के, अगर सुबह सवेरे हम 4 बजे गाड़ी निकालते हैं। अच्छा। बताएं कि हमारी बीवी हमारा क्या हाल करती होगी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 7 नंबर का जूता ये साइज, तो आपकी हरकतें ऐसी ना ताड़ू और ये तो पता लग गया होगा, उसने पीटा होगा पकड़ के, कौन बीवी छोड़ती है? नहीं वो तो आप देखे ना कि सुबह 4 बजे हम निकले तो हम कितना हमारा दिल जला हुआ होगा, पेट जला हुआ वो अपनी जगह, लेकिन दिल कितना जला हुआ, अपनी हरकतें नहीं देखते, किसी अच्छी सी चीज को देखे हुए जमाने गुजर गए जब हम गाड़ी में देखते हैं किसी सवारी को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजता जजता, तो बहुत दिल चाहता है, इसलिए हम ऐसे ही गाने लगाते हैं। फिर इसमें बहुत सारा फायदा हमें भी हो जाता है। क्या फायदा होता है? बहुत सारी खवातीन से हम किराया भी नहीं लेते। किस खुशी में? बस वो एक वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो अंग्रेजी में वो क्या कहते हैं, बार वाली गिनिंग जो होती है ना, वो हो जाती है। हाँ वो यही यही यही। तो फिर घर से तो जूते आपको पड़ेंगे ना, फिर दिल जले वाली क्या बात है? फिर देखिए अगर हम गलत करेंगे तो सजा तो मिलेगी ना, तो इसमें दिल जले वाली गलत क्या करनी है तो आपको सजा मिले, हमें क्यों मिलेगी, हम तो उस्ताद ABC नहीं, तो ड्राइवर तो आप है ना, ड्राइवर हम हैं, हम सबको मंजिल पे पहुंचाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बीच में अगर कोई मर्द अगर कहेगा कि उस्ताद बीच में गाड़ी रोको तो बिल्कुल नहीं रोकने, लेकिन अगर खवातीन कहेगी थोड़ा सा गली के पास, हाँ, घर के गेट के पास छोड़ दें तो हम प्यार से अगर वो कह दे, प्यार में देखे, प्यार में सब कुछ समझ। ठीक, आपकी गाड़ियों का इतना खौफनाक हॉर्न होता है, यानी जो पापा बाजा आप लोगों ने रखा होता है उसके ऊपर के ये एग्जैक्टली यही वाला, एग्जैक्टली यही कहना चाह रही थी। अरे वापस आते हैं करेक्टर से बाहर नहीं आते आप तो, क्यों होता है इतना खौफनाक कि इंसान बैठा बैठा डर जाता है? वो आप लोग और ये चेरी पापा वाला तो इतना बुरा लगता है मुझे, अल्लाह मैं कैसा लगता हूँ? नहीं वो मैं बता रहा था, देख ना अगर हम लोग कोई हॉर्न बजाते हैं तो वो उस हिसाब से बजाते हैं कि एक मिनट ये आप जलाने लगे? नहीं बुझाने लगा, बुझी हुई है उसको जलाऊंगा। नहीं नहीं से आप प्लीज रख दे, शो के बाद पीजिएगा, हम आपको खाना खिलाएंगे उसके बाद आप ये सूटा भी देखें, खाना अल्लाह ताला खिलाते हैं, आप लोगों में क्या ताकत है, आप खिला रही हैं है, ऐसा प्लीज इस पे आप बेइज्जती कर रही हैं। नहीं नहीं मैं आपको, आप मेरे मेहमान हैं, मैं आपकी बेइज्जती कैसे कर सकती हूं? आप प्लीज ये देखे रखे ना, देखे ये गाड़ी में जब तक ड्राइवर जागता रहेगा तो मंजिल पे आप जल्दी पहुंचेंगी।
अरे क्या कर रहे हैं, नहीं करे, रखे वापस। भाई देखिए ये, अरे रखे रखे, मैं आपको एक बात बता दूं, आप रखे यहाँ पे, आप दूसरी बताएं, लेकिन ये जरूरी अच्छा, है। मैं आपको दूसरी बात बताऊंगी, यहाँ रखे ये तो आप शुक्र अदा करेंगे हम खाली पी रहे हैं। कैसी बातें करते हैं आप लोग, ऐसी बातें करेंगे और क्या करेंगे, मतलब आप लोग गाड़ी जो इतने अंधाधुंध चलाते हैं, तो आप लोग पी के चलाते हैं। पी वाली वैगन तो बंद हो गई ना, जो आगे तक से उधर जाती थी अपना क्या कहते खोपरा बार, वो बंद हो गई। इसे रखें आप, इसे रखें, आप भी पियेंगी, आप इसे रखें। हाँ दूसरी भी है मेरे पास, अरे दूसरी भी है, मिल के पी दे क्या। मैं इनको नहीं रोक पाऊंगी, हमें इस शो को यहीं स्टॉप करना होगा। नहीं स्टॉप आप कैसे करेंगे, जब तक मैं स्टॉप ब्रेक नहीं लगाऊंगा स्टॉप कैसे होगा। चले आप ब्रेक लगा, नहीं ऐसे कैसे, आप ब्रेक लगा ले, नहीं नहीं ये बात नहीं, अरे शो का टाइम खत्म हो रहा है, शो का टाइम खत्म हुआ तो मेरा टाइम तो खत्म नहीं हुआ। ये क्या है, पान है, ये रखे इसको, ये क्या बॉस, बॉस ये क्या है, ये चीजें क्या निकाल रहे हैं। बेगम का फोन आ गया, जुम्मा करीम गोरा जी जी बोले। नहीं नहीं आप बेफिक्र रहे, आप बेफिक्र, ले आऊंगा ले आऊंगा, और वो छोटे वाली वो भी ले आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं ठीक है ठीक है बेगम ठीक है। बोले काम आ गया, तो अब मैं शो को स्टॉप कर दूं, आप ब्रेक लगा रहे हैं। नहीं मैं ब्रेक तो नहीं लगा रहा, मैं सोच रहा था कि आप मेरी गाड़ी में आए ना कभी, घर के पास उतारूंगा बेफिक्र। हाँ इतना कुछ पी के आप चलाते हैं, मैं तो पागल हो जाऊंगी, मैं तो सर पे पी के फिल्म देखी है, पी के फिल्म वो भी मैं कर लूंगा। चले जी मैं इसी के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगी, आप हमें बताएंगे ये शो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी बताइएगा, बुरा लगा तो भी बताइएगा, क्योंकि हमें आपकी फीडबैक चाहिए होगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माय नेम इज़ वकार अली खान, आई एम द सीईओ एंड द एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ ओपीटीवी ग्लोबल, आप देख रहे हैं ओपीटीवी ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए ये ओवरसीज पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है, दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्याल आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए देखते रहिए ओपीटीवी ग्लोबल, एवरीवेयर एनीवेयर एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब ओपीटीवी ग्लोबल, भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम, याद रखिए भूलिए नहीं। इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए, आप देख रहे हैं ओपीटीवी ग्लोबल। Habba Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines.
Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.ametfs.com or call us on 1-909-5762-982. TV is now available on Roku. Please tune in to Roku.